नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे श्वेता चंचल। आजकल नवरात्रों का दिन चल रहा है और सभी कन्या पूजन करने में व्यस्त हैं। यह एक अजीब अचंभित करने वाली बात हमारे भारत देश में देखने को मिलती है और यह विडंबना भी कह सकते हैं कि जिस देश में कन्याओं की पूजा की जाती है, जिन्हें बड़े रूप में देवी रूप में पूजा जाता है, वृद्ध माता के रूप में पूजा जाता है, वही स्त्री शक्ति अपने बचपन, अपने यौवन काल और अपने वृद्धावस्था में अपने अपने तरह के अलग अलग दुखों को पाती है, जिसका मूल कारण एक पुरुष होता है, एक महिला भी होती है। आजकल भ्रूण हत्या का ट्रेंड चला हुआ है। भ्रूण हत्या करते हैं लोग, फिर कन्या ढूंढते हैं लोग। कन्या क्यों स्वीकार नहीं है? जिस कन्या के गर्भ में कन्या पल रही है, वो स्त्री, वो माँ स्वयं उस कन्या को ऐसे दुत्कार कैसे सकती है, छोड़ कैसे सकती है, सड़क के किनारे फेंक कैसे सकती है? वह पिता जो उसका सृजन करता है, वो उसको सड़क के किनारे छोड़ कैसे सकता है? बहुत सारी चीजें हैं इस विषय पर ध्यान देने के लिए। मात्र 9 दिन पूजा ना करें किसी देवी की, दिल से सम्मान करें। 365 दिन 24 घंटे आपके आसपास कोई भी स्त्री जो रहती है, जिस रूप में भी रहती है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, दोस्त के रूप में, बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, पड़ोसी के रूप में या आपके घर आने वाली मेड के रूप में, वो कोई भी रूप धर सकती है। आपका फर्ज है उसको सम्मान देना, उसको स्नेह देना। अगर आप यह नहीं करते तो आपको नवरात्र मनाने का कोई हक नहीं, बिल्कुल भी हक नहीं। आडंबर बंद करें, दिखावा बंद करें। और यदि खुद ही भ्रूण हत्या कभी की हो, कभी किसी अपने बच्चे को, बच्ची को नाले किनारे छोड़ दिया हो, तब तो बिल्कुल भी ना करें। गली गली में कन्या ना ढूंढें कि मुझे कन्या पूजन करके अपना इहलोक और परलोक सुधारना है। सतर्क हो जाएं, संभल जाएं, ये शक्ति है। शक्ति को रौंदोगे तो शक्ति विकराल रूप लेकर आएगी, सब कुछ तहस नहस कर देगी। शक्ति का सम्मान करिए, उसी में भलाई है हमारी, आपकी और इस समस्त पृथ्वी की। सामंजस्य स्थापित करना ही होगा, हमें अपनी भूल स्वीकार करनी ही होगी, सभी कन्याओं को सम्मान देना ही होगा। यह प्रण करिए आज अभी और तब नवरात्रे करिए, कन्या पूजन करिए, तब हुई इस व्रत की, इस नवरात्रों की सार्थकता।